भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल रही हैं। इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी ऐसे ही दो नाम सामने आए, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। 21 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के नतीजे आ जाएंगे। आइए जानते हैं इन दोनों कैंडिडेट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। झारखंड की पहली महिला गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। मुर्मू एनडीए की तरफ से सिन्हा के खिलाफ खड़ी हुई हैं। मुर्मू ट्राइबल कम्युनिटी की संथल कम्युनिटी से नाता रखती हैं। टीचर के करियर से शुरुआत करके मुर्मू ने ओडिशा पॉलिटिक्स में एंटर किया। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी। मुर्मू ट्राइबल कम्युनिटी की पहली ओडिया महिला हैं जो भारत के किसी स्टेट की गवर्नर बनी है। मुर्मू के पास अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस की कमान संभालने का एक्सपीरियंस है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने शायद फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा का नाम ना सुना हो। सिन्हा जो बिहार से हैं, यूनाइटेड अपोजिशन द्वारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह अपॉइंट किए गए हैं। अपने पॉलिटिकल करियर में बीजेपी के करीब रहे, पर बाद में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 24 साल तक आईएएस ऑफिसर बनकर उन्होंने देश की सेवा भी की। 2015 में यशवंत सिन्हा को फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था। तो इस बार कौन बनेगा भारत का राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? इसका फैसला तो बाहर आएगा 21 जुलाई 2022 को। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।